दोस्तों, अगर आप भी महज 5 मिनट में 50,000 रुपए तक का लोन लेना चाहते हो और वो भी टोटली डिजिटल प्रोसेस के साथ, इसके लिए आपको कहीं भी बैंक वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इसे कर पाओगे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप की सहायता से। मैं बात कर रहा हूँ SBI ई मुद्रा लोन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली जो SBI है हमें ई मुद्रा लोन प्रोवाइड कराती थी, बट अभी कुछ टाइम पहले इसकी जो वेबसाइट थी वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन फाइनली अब यहां पर एक अपडेट आ गया है जिसके थ्रू अभी वेबसाइट दोबारा से शुरू कर दी गई है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है और आप लोगों को कैसे लोन प्रोवाइड कराएगी SBI, हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है नॉर्मली लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में, और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है SBI। अब यहाँ पर SBI जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने वाला पेज निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सबसे फर्स्ट नंबर की वेबसाइट मिलेगी onlinesbi.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन में इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट जो एक मोड होता है क्रोम ब्राउज़र में वो सेलेक्ट कर लेना, तो आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर डेस्कटॉप के थ्रू जो है खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको SBI लोन्स का सेक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको SBI के काफ़ी सारे लोन्स देखने को मिलेंगे। हमें अप्लाई करना है ई मुद्रा लोन के लिए, तो मैं ई मित्रों में यहां पर क्लिक कर देता हूं। अब जो विंडो है वो कुछ इस तरीके का हमारे सामने देखने को मिलेगी, जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस तरीके का हमारे सामने देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि SBI ई मुद्रा लोन SBI में आपका स्वागत है। यहां पर आप प्रोसीड टू क्लिक में क्लिक कर देंगे, और यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसकी थोड़ी बहुत डिटेल हम लोग समझ लेते हैं कि किन्हें लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और ऋण आवेदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या क्या लगेंगे, किन लोगों को लोन दिया जाएगा, ये सारी डिटेल थोड़ी सी समझ लेते हैं। बट इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा बनाते रहता हूँ। यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि हमें इस लोन की थोड़ी बहुत विशेषताएँ देखने को मिल रही हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट निकल के आता है, लघु माइक्री उद्यमी होना चाहिए, आपका कोई भी एक छोटा सा व्यवसाय होना चाहिए, इसका मतलब सीधा सही है। और SBI आप देख सकते हैं कि कम से कम जो आपका अकाउंट है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर आप SBI के खाता धारक है तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यहीं से निकल के जाती है कि आपका अकाउंट SBI में होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अधिकतम ऋण पात्रता राशि जो है 1 लाख रुपए, अधिकतम राशि जो है 1 लाख रुपए है। बट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डिजिटली आप यहां पर 50,000 रुपये का लोन तो ले पाएंगे, लेकिन 1 लाख का लोन लेने के लिए आपको अपनी जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहां पर जाना पड़ेगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अधिकतम ऋण अवधि 5 साल के लिए आप ले सकते हैं, और बैंक की पात्रता मापदंडों के अनुसार 50,000 तक का ऋण की तुरंत उपलब्धता, मतलब कि 50,000 का लोन जो है तुरंत आपके 5 मिनट में आपके अकाउंट में क्लियर कर देगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और ₹50,000 से अधिक ऋण के लिए औपचारिकताएं पूरी करने ग्राहक को अपनी शाखा में आना पड़ेगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋण आवेदन करने के लिए, मतलब कि लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला जो है बचत खाता है, चालू खाता संख्या तथा शाखा विवरण। आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो कि SBI का ही होना चाहिए, और व्यवसाय प्रमाण पत्र, नाम, आरंभ तिथि, जो आपका व्यवसाय है वो आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा। और यहाँ पर UIDAI आधार संख्या, जो कि आधार कार्ड होना चाहिए, और जो कि आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप जाति प्रमाण पत्र, OBC ST जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड के लिए अन्य विवरण जैसे कि GST एवं उद्योग आधार, जो आपका GST रजिस्ट्रेशन हुआ होगा दुकान का, एवं स्थापना प्रमाण पत्र, ये सारी डिटेल आपको दे देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रमवार प्रक्रिया जो हमारी देखने को मिल रही है, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, ओके वाले बटन में क्लिक करना है, और इसी के साथ साथ UIDAI की EKYC करने के लिए कृपया आधार नंबर उपलब्ध कराएं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें करना है, तो यहाँ पर ओके में क्लिक कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस तरीके का हमारे सामने निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फॉर सपोज आपको बताने के लिए यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, और मैं प्रोसीड में क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और रजिस्टर्ड मोबाइल फिल करने के साथ साथ आपको जो भी कैप्चा है वो यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई कर लेना है। ये सडनली ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, और
आपको जो लोन अमाउंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डालने को दे रहा है, जो कि आपको अप्रोक्स 50,000 के आसपास डालना होगा। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप नंबर डालोगे आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर निकल के आ जाएगा। अब क्या है एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा है कि कोई मेरे पास ऐसा है नहीं कि जिसका मैं लोन अप्लाई करके आपको दिखा सकूं, बट मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूं। आपको क्या करना है, आपको मुझे इंस्टा में डीएम करना है SBI ई मुद्रा लोन। अगर आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके पास और आपका SBI में खाता है और आप लोग लोन लेना चाहते हो, तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। और यूट्यूबर हो जैसा नहीं कि आपको बता के चला जाऊँगा, आप क्या करिएगा आप मुझे इंस्टा में DM करिएगा और मैं वहाँ से पूरी आपकी मदद कर पाऊँगा और कंप्लीट डिटेल में आपको बता पाऊँगा कि किस तरीके से जो है मैं आपको लाइव गाइड कर दूंगा कि आपको अप्लाई करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। होप आपको ये लोन की इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपको बताया था कि अब अभी जो वेबसाइट है वो अपडेट कर दी गई है, वेबसाइट चालू हो गई है। आप जाइए, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो।